मुअज्ज़ज़ हज़रात, इजाज़तें ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन हज़रात, बिलखसूस सब तो पहले मैं मुखातिबा जेड़े इस पाक दरबार दे विच मेरे सामने सफेद वालों वाली शख्सियात, उम्र रसीदा हजरात, सफेद रीश, मेरी मुराद बुजुर्ग, मेरी कौम और मिल्लत दी इज्जत और वकार तशरीफ फरमाने। फिर उस तो बाद मैं मुखातिब हाँ मेरे कुव्वत बाजू, हूँ इस तो बेहतर केड़ी तुहाडे वास्ते गल हो सकती है, अपनी गल्लां तो फिर भी हो सकती है। मेरे कुव्वत बाजू, मेरी कौम और मिल्लत दा ज़ोरे कमर, मातमदारा ने शहजादा अली अकबर, मेरी मुराद है मेरी कौम दे नौजवान हसीन चेहरे जेड़े इस पाक दरबार च मेरे सामने तशरीफ फरमा। फिर मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे कमसिन बच्चे मेरे सामने बैठे ने, मेरे मुस्तकबिल दे होमन वाले बेहतरीन इंसान मुसलमान ते आजादार, और पसे पर्दा मेरिया भैनी बेटियां पोतियां नवासियां, मेरी इज्जत आबरू, मेरी कौम और मिल्लत दी इज्जत आबरू, जिथे जिथे तशरीफ फरमाओ मैं फकीर दी हसबे आदत हसबे मामूल बड़े अदब व एहतराम नाल दरख्वास्त है कि एक बार पूरे खुशू व खुदू दे नाल, शौक और शगफ दे नाल, मुहब्बत खलूस इश्क और जज्बात का मुजाहरा करती हुई पूरे बुलंद आवाज दे नाल मिल जुल के हम नवा हो के सरकार आले बैत अतहार दी पाक रात ते एक छलक दी हुई सलवात पढ़ो। तो आज कहने के घर पे अब्बास का परचम हो तो बेआस ना हो, एक लम्हा भी हुन नियाज़े हुसैन अपनी तमाम गुफ्तगू नूं पेंडिंग करके दीगर वक्त वास्ते वक्फ करके हुण इस मेरी गल नूं समात फरमाओ। जवान तो जिस्मानी कुव्वत तो कम लै सकदा है, मेरे लफ्ज़ां ताकत है सिर्फ। और फिर मैं पहला ज़ाकिर हाँ, पहला सच्चें दे दरबार सच्ची गल करन दा आदी हाँ, शरीफां दी औलाद हाँ। मैं आख्या जंग दी ए पट्टी जिला जंग, मैं शफकत मोहसिन ने गल आखी है तुहाडे आला ज़ौके समात नूं सुन के मुतासर हो के, ते मैं गल आखी कि जंग मेरे नज़दीक पंजाब दा लखनऊ है। क्योंकि मेरे अदबी मुश्किल उर्दू सकील उर्दू विच लिखे हुए कसीदे खूबसूरत, जिस तरह तमाम शायरी दे हुसन और खूबसूरतियां मौजूद ने, जिस तरह तुसी उसनों कबूल किया है शायद इस तो बेहतर पंजाब दे विच किसे कबूल नहीं किया।
इस वास्ते मैं बहुत सारी तवक्कुआत थोड़े नाल मेरे वाबस्ता ने जिहड़ियां मैं लै के थोड़ी खिदमत हाजिर होया तो पेश कर लिया कि घर पे अब्बास का परचम हो तो बेआस ना हो। क्यों? अरे कितना कम वक्त है वो जिसको अलम रास ना हो। तशरीफ ले आओ जनाब, मेरा सरदार मेरे को आओ, मेरी हौसला अफजाई। मेरे मुल्क दी बहुत खूबसूरत शख्सियत आज ते हसना भी इबादत है, उला दा दर्जा रखता है मुस्कुराना। मेरे बिरादरे अजीज जेड़े सिंध विच ते मेरे तो छोटे ने, लेकिन मैं उन्होंने अपने बड़े भाई का दर्जा देना। तशरीफ फरमाने मेरी हौसला अफजाई वास्ते हुण मैनू थोड़ा वक्त दिओ, मैं गल नू अगे लै चला। बिस्मिल्लाह। घर पे अब्बास का परचम हो तो बेआस ना हो। कितना कम वक्त है वो जिसको अलम रास ना हो। और हम से मुलाद जितने रोशन चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा है, बशमूल मेरे फकीर के, और इसके अलावा मेरी कौम और मिल्लत का हर फर्द मुराद है। तो आज कहते हैं कि हम हुसैन दे वास्ते मेरे कान में चुना आवाज ना आवे, मियादे हुसैन, हम इसी वास्ते ही लश्कर शब्बीर में हैं। क्यों? हार जाता है वो लश्कर जहां अब्बास ना हो। दामन वक्त गुंजाइश बहुत कम है और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह महसूस करते आया। अपने अता करदा वक्त के अंदर करीबन 45 मिनट मेरा टाइम है, मैं उसके अंदर वक्त नूं समेट के उसके अंदर इंशाल्लाह इख्तिताम तक ले जावन की इंतहाई कोशिश कर सकूं। मैं अर्ज कर चुका हाँ कि जिला झंग गिरदो नवा मेरे नज़दीक पंजाब दा लखनऊ है, और जिस तरह मेरी शकील उर्दू च लिखे हुए, अदबी उर्दू च लिखे हुए कसायद नूं जिस तरह तुसा कबूल किया है, मैं इस तो इंतहाई मुतासर हाँ। कुछ पहलियां नज़मां जिहड़ियां इंतहाई मकबूल ने मुल्क विच नहीं दुनिया विच, ग्लोबल वर्ल्ड है इस वक्त दुनिया, उन्हां दी भी इंतहाई इसरार है, फरमाइश है। लेकिन पहले बिल्कुल ताज़ा तरीन नज़म जिहड़ी इस साल दी तखलीक है, सिर्फ एक ज़रा थोड़ी जी संजीदगी भी, शोर भी, शोर तो मुराद पॉजिटिव शोर, मस्बत शोर, यानी मौला दी खुशी दे पेशे नज़र। ए आज दी इबादत उला दा दर्जा रखदा है। लेकिन मैं जाना कि पहली नज़म जिहड़ी इस दफा मैं आले मोहम्मद दी बारगाह चो गदा कीती है, ओ खिदमत आली पेश करन दी सआदत हासिल कर। वाह वाह। ते मैं जानना जिहड़ियां तुहाडियां मेरे नाल तवक्कुआत वाबस्ता ने, जिहड़ियां मेरी पहचान तुहाडे दरम्यान मौजूद है, तुसां ही ओ पहचान मेरी बनाई ते मैनूं अता कीती है। वाह वाह। इस नज़म दे विच देखो शायरी दे कुछ हुसन हुंदे ने, चंद चीज़ां ने जिहड़ियां शेर नूं उम्दा, मुअस्सर, बेहतर और आला बना दिया ने। जिहड़े साहिबाने मुतालिया ने तो मेरी गल नूं बहुत ज़्यादा, जिहड़े आम आदमी वास्ते मैं गल कर रहा, जिहड़े मेरे जैसे सादा लोग बैठे हो,
سب تو پہلے ہے کافیہ ردیف دی بندش، پھر ہے الفاظ دی نشست و برخاست، لفظانو اپنے صحیح محل اور مقام تے بٹھانا اور استعمال کرنا، پھر ہے محاورات دا استعمال، پھر تشبیہ، کنایہ، استعارہ، یہ اصطلاحات ہیں شاعری دیاں جڑی شعر نو حسن بخش دیاں نے اس نو عمدہ کر دیا جی بسم اللہ. تو اس نظم میں جو ساریاں موجود نے تازہ نظمیں پہلے میں پیش کرنا بسم اللہ. اس تو بعد پھر ملک شفقت صاحب اور دیگر حضرات جس تھے میں آ کے بیٹھا، میں نو بہت ساری فرمائشاں میرے پڑھے ہو ایک دو قصائد وہ پیش کرتا. دیکھو پہلے مشکل نظمیں، پھر اس تو بعد میں اس نو آسان کرسا، پھر آسان تر، اور اس طرح آسانی دے پاسے میں سفر کرسا، اور پھر عوام دے واسطے عام زبان دے وچ پیش کرسا. گر قبول افتاد ہے عز و شرف، ایک بلند آواز دے نال صلوات پڑھو آل محمد پاک. اے نظم میں تہاڈی پذیرائی واسطے پڑھ رہا، مشکل ہوئے لیکن اس سے جڑی خوبصورتیاں نے اس نو تسی محسوس کرنے میں بار بار آکھ رہا. شہرت واسطے نہیں، ہن مینوں کوئی سکھ نہیں، اس واسطے کہ شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں. شہرت کے خزانے میرے قدموں میں پڑے ہیں، اے الفت حیدر تیرے احسان بڑے ہیں، اور یہ مدح علی اور یہ لہجے کی روانی، لگتا ہے میری پشت پہ سلمان کھڑے ہیں. میں نا بابا جی ہوں بیٹھ کے پڑھنا، وہ مینو ایک بے تکلف دوست روپے بیٹھ گیا تو ایک مجمع بندے نے آخیا، بابا جی ہوں ساری مجلس بیٹھ کے ہی پڑھتے ہو؟ میں کہا میرا پتر گھبرا نہیں، اجے میں لبیا پہ کے بھی پڑھنا ہے. اے آواز ذرا کھول کے رکھے ہو جی. کافیہ ردیف، محاورات دا استعمال، لفظاں دی نشست و برخاست، یہ سب خوبیاں اس وچ موجود. اور اس تو بعد پھر تہاڈی فرمائش دیا دو نظماں، اور پھر اس طرح بسم اللہ. ایک ملنگ، ایک مولائی، ایک عاشق علی، تہاڈے درمیان پورے بلند آواز نال جوش و خروش دے نال روایتی انداز وچ فرماوے نعرہ حیدری، دوسرے سے جواب وچ مل کے یکسو ہو کے ہم آہنگ ہو کے ایسا یاری. ہاؤ بزم شاباں کی رونمائی ہے، زیادہ ٹلا نہیں کرنا. واہ واہ بسم اللہ، علی علی صدقے جاواں. واہ واہ سامنے تسی منہ مائیکل رکھنا. سبحان اللہ بھائی، جشن شاباں کی رونمائی ہے، بزم 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 شاباں کی رونمائی ہے. ہن میں عرض کر رہا کہ پہلے فرد ثانی میں توجہ دلان واسطے ایک گل آکھ رہا، کہ سب تو پہلے دین نے بزم شہبان دی آمد نال دین نے کے محسوسات نے دین الہی دے، دین نے کی محسوس کیتا اس دی آمد نال. ہاں بھائی بزم شہبان کی رونمائی ہے، بزم شاباں کی رونمائی ہے، بزم شاباں کی رونمائی ہے، بزم
चाबा की रूनुम हाय है बदम चाबा की रूनुम हाय है बदम चाबा की रूनुम हाय है दिन की जामे जान आई है दिन की जान में जान आई पहली वीडियो कुछ दिन में महसूस किया था आखो भाई अदा भाई आवाज दर आवाज कम ना हो बे कबरा ना मरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हां भाई फिर आखो बज़्मे शाबा की रूनुमाई है 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 दिन की में जान आए है वाह वाह भाई पहला वाह वाह शाबान दी यकम सुबह शाबान बस मैं शेर दी मार्फत अपने जज्बात दी तर्जमानी कर रहा आखिरी मिसरा जिथे मुकाना है सम है शेर दा उस मंडल बनाना मैं के गल आखिए हां भाई सुबह शाबान क्या निरा सुबह चाबा भी क्या निराली है फतेह जाम आने वाली है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बड़ी मेहरबानी सुभान अल्लाह बहुत तवज्जो है बस मैं इस बात से दो जुमले आके ने कि मैं जरा गौर समाज सुभान अल्लाह भाई बिस्मिल्लाह जी हैदरी यार आखिरी में से रूम मंडल बनाना है हां भाई सुबह चाबा भी क्या निराली है सुबह आने वाली खुदा की बस्ती से ले जाए के दगार लाई है ले जाए के दगार लाई है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दूसरा शेर पेश कर दिया दूसरा शेर हम आई ख्वाबदार ख्वाबदार है हाब की हाँ भाई फिर आखो हाँ बेदार है हाँ अगला शेर पेश कर रहा मैं तसलसल पेश कर रहा
माए साहबान का जिम्मे नजम इस तू बाद भी पेश करता हाँ भाई आहो शाह आंखें चार करते हैं मुहावरे से मारे फिर आखो भाई हाँ जी आओ शाहबा में आगे बढ़ते हैं चार से आंखें चार करते हैं आज उसका तवज्जो है जिस तवज्जो आज उसका फिर आखो भाई पढ़ो भाई पढ़ो इस शेर तो दूसरी फरमाइश तुहाड़ी फरमाइश बिस्मिल्लाह सैयद तेरा मलक शफकत आपने मैनू हुक्म दिता है और बड़ी मुहब्बत दे नाल मैं तुहाड़े हुक्म दी तामील इसम बा मुसम्मा ने शफकत वाह वाह हुण तुसी बैनुल शफकतैन बैठे हो दोस्तों जश्ने नजूले नूर है वाह वाह और मुसल्लत से फजा मामूर है वाह एक इजहारे तशक्कुर पर ये दिल सिर्फ मायल ही नहीं मजबूर है वाह वाह अब के जब पहली सी वो ताकत नहीं फिर भी लहजे में कोई लुकलत नहीं वाह वाह है ये सब बाले मोहम्मद की अता मैं बुढ़ापे में भी बेहिम्मत नहीं है ये सब बाले मोहम्मद की अता मैं बुढ़ापे में भी बेहिम्मत नहीं इसमें शामिल है सिर्फ मेरे नहीं इसमें शामिल है मोहब्बत आपकी इसमें शामिल है मोहब्बत आपकी आप करते हैं जो मेरी दिल भरी आप करते हैं जो मेरी दिल भरी मुल्क भर के जाकिरों की बज्म हो मैं हर मेंबर बड़े फख्र इफ्तिखार नाल मैं अपने सच्चे जज्बे का इजहार करना के जदीद दौर दे जवान साल जाकिरीन ने मैनू बड़े एहतराम नाल नवाजिया मैनू अपना बाप समझा है मैनू उस्ताद दा मकाम दिता है और इस वास्ते मैं तज़किरा कर रहा कि मुल्क भर के जाकिरों की बदम हो कोई सैयद मलक या चौधरी हो कोई सैयद मलक या कौधरी चौधरी आपने चाहता है जी दुआ करता चलूं एक फकीराना सदा करता चलूं आपने एक लफ्ज में इस्तेमाल कर रहा रूमानियन है शफकत कि आपने इतना दिया है जबकि मान हक के शफकत ही अदा करता चल बस मैं जज्बात दी रोच बह के चंद शेर कह गया हुण मैं तुहाडी फरमाइश पेश कर रहा वाह वाह मेरा इस दौर दी ओ नज़्म के जिसनू बैनुल अक़वामी सतह ते दुनिया दे मोमिनीन
इंतहाई पसंदीदगी की निगाह नाल कबूल किया और बहुत अज भी हो इस नूं पसंद फरमारे ने पेश कर रहे हैं। मौजू है तेरा रजब बिस्मिल्लाह तुहाडी मेरी कायनात की मखदूमा सैन तशरीफ ले आए काबतुल मुकर्रमा ते काबे ने सैन का किवें स्वागत किया काबे ने जिन्हें लफ्जों का जबाने खामोशी जिन्हें लफ्जों का काबे ने जिस पाकीदा जज्बात का इजहार किया उस अपने तसव्वुर उसकी तर्जमानी पेश एक मलंग फरमावे नारा हैदरी और दूसरे से जवाब मिल के यकसू होके बुलंद आवाज दिना सुर अच्छा रखो बड़ा हौ काबा है बेचैन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह हां भाई काबा है बेचैन 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 मजीद दोहराना नहीं चाहता मजीद काबे ने होर की अर्ज किया सैन की खिदमत हां भाई तेरा रजब के चांद की आके देख रही है तेरी राह थोड़ा जागना भाई खिर जाना जरा खिर जाना हां भाई तेरा रजब के चांद की आके देख रही है तेरी राह तेरा रजब के चांद की आके देख रही है तेरी राह जल्दी आना देर न करना जल्दी आना देर न करना बहुत मेहरबानी सुभान अल्लाह कुछ ते है माइक में थोड़ी इको जरा दे भजन सुभान अल्लाह यार यार अल्लाह फरमा आसमान दियां बुलंदियां तो अपने वली नूं मुखातिब होके अल्लाह के आख रहे हां भाई तू मेरा आला रब सरापा तेरी विलायत दी का असासा तू सुभान अल्लाह हां जी तू मेरा आला रब सरापा
किसकी जुरअत है आए हम किसकी अल्लाह अली अल्लाह अली है आए हम दोनों के माबैब शेर पेश करना है दोनों की मजदूरी वाह वाह शॉर्ट कर दे वाह वाह भाई एक शेर जेड़ा मेरा और मेरे आवाम नु मोमिनी नु बहुत पसंद है बिस्मिल्लाह वो मैं पेश करना था जी जी सुभान अल्लाह मैं वही देख रखा कर रहा हूं या अली या अली बिस्मिल्लाह या अली या अली सुभान अल्लाह जी लो प्यारे दोस्तों वाह वाह इससे मैं लफ्ज इस्तेमाल किया है चूरी चूरी सदके जावा चूरी जरा मैं नहीं नसल हो सकता कि उसको आशना ना हो चूरी की गिज़ा है डिश डिश मुसलस पुलाव है कोरमा है दीगर मुख्तलिफ सारिया मशरकी डिशा मौजूद ने लेकिन चूरी जड़ी है पंजाब की खास सकाफत है सुभान अल्लाह और ये चूरी किस तरह बनती है वाह वाह देसी घी केड़िया केड़िया चीजां दी आमेदश नाल चूरी बनती है तवज्जो रखना देसी घी वाह वाह फिर देसी गंदम दा बुरादा वो देसी गंदम मैं ते खादी बैठा मैं ते उम्र दे पता नहीं कितने हिस्से जा रहे हैं हो सकता है नई नस्ल नु ते वो गंदम नसीब नहीं वाह वाह आज उसका बीज भी मौजूद नहीं बिस्मिल्लाह लेकिन एक ऐसी गंदम के जिसकी अपनी एक लज्जत है उस दा बुरादा सुभान अल्लाह और तीसरी चीज देसी शक्कर सुभान अल्लाह ए मिल के चूरी बनती है और चूरी एक मुकद्दस गिज़ा और रिस्पेक्टेबल गिज़ा समझी जाती है पंजाब की सकाफत के हवाले नाल ते चूरी उस नूं पेश की जाती है जिस तरह इंतहाई अकीदत ते मुहब्बत का रिश्ता हो माँ होवे मुर्शद होवे पुत्र होवे या महबूब होवे उस नूं चूरी पेश की जाती है ये तो मैं गल दसी है चूरी क्या है नई नस्ल वास्ते हुण मैं तारीख का एक वर्क बयान कर रहा दो मजदूरां ने सिरा ते गारे दियां टोकरियां चा के काबे दी तामीर की थी केड़ा केड़ा मजदूर हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम तवज्जो रखना मैं शेर पेश कर रहा हाँ भाई दो मजदूरों की मजदूरी है तेरे दीदार की चूरी यारी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर आखो भाई हाँ जी दो मजदूरों की मजदूरी है तेरे दीदार की चूरी दो मजदूरों की मजदूरी है तेरे दीदार की चूरी बैठे है कब से आस लगाए बैठे है कब से आस लगाए आ नबियों के ਬੇੜਾ ਦਸੇ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਜ ਬਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੇੜਾ ਦਸੇ ਮਾਲਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬੇੜਾ ਦਸੇ ਉਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਦੀ ਸਲਾਮ
भाई जो जो फरमा रहे ने असी अपनी मर्जी ना थोपिए, जेड़ा हुक्म मिले उस नूं तुसी तस्लीम करो। अच्छा जी, पहले मैं अर्ज कीता लो भाई अदबी नज़मां तुसी इंतहाई मेरी तवक्को तो वध के समाप्त फरमाइया, और जेरी तवक्को मैं लेके आया तुसी उसनूं पूरा कीता है। बिस्मिल्लाह। हुण जरा मैं वादा कीता कि जबान नूं आसान आसान तर कर दईए, अवामी जबान और मलंगाना जबान इख्तियार करिए। तो जिस वक्त मैं आखना ना मलंग, मैं खुद भी मलंगा दी पैदावार हाँ, मैनू मलंगा नाल बड़ा प्यार है सदके। लेकिन मैं गलत फहमी ना कोई ओहदे च मुबतला हो जाए, जिस वक्त मैं मलंग आखना जी, ते मेरी मुराद ओ बंदा नहीं जेड़ा नशा करके वाणी च टट्ठा पिया होवे। मैं जिस वक्त मलंग आखना, दुनिया सुन रही है ना, ऑनलाइन है मजलिस जी जी, मैं जिस वक्त मलंग आखना ते मेरी मुराद ओ फर्द है, ओ शख्सियत है कि जिसका कुल हम सरमाया सिर्फ और सिर्फ इश्क अली होवे जी, मलंगा वास्ते। वाह वाह, बिल्कुल सादा जबान है छुन। मैं बहुत सादा जी जबान दे विच अवाम दे तकाज़े नूं पूरे करदे होया पेश कर लिया। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। हाओ मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते मेहरबानी मेहरबानी। हाँ भाई, मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, बेड़ा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, कदी इस घर विच कदी उस घर विच जशन मवालिया मना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर आखो भाई फिर आखो। हाँ जी, मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, मेरा वत मौला इमरान दा अली मौला दुनिया ते आया, कदी इस घर विच कदी उस घर विच जशन मवालिया मनाया, जशन मवालिया मनाया। थोड़ी मेरी कायनात दी मखदूमा सैन आइए काबे दे विच, काबे नूं डिठा है मुकफल कुफल लगा है डिठा है, पूरी तवज्जो मेरे पासे। काबे दे एतराम दे पेशे नजर सैन दे अंदर थोड़ी जी परेशानी लाहक होई, थोड़ी जी परेशानी होई, और एतराम काबा दे पेशे नजर इरादा कीता वापस मुड़ जान दा, पर अल्लाह दी जात नूं सैन दी इतनी भी परेशानी गवारा नहीं होई। सुभान अल्लाह, ते अल्लाह दी जात पाक सैन मुखातब होके अल्लाह की फरमा रहा है। हाँ भाई, हिरता वाली बीबी शर्मा वाली बीबी घबरावण दी नहीं लोड़, बख्ता वाली बीबी अल्लाह फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। हाँ जी, इज्जत वाली बीबी शर्मा वाली बीबी घबरावण दी नहीं लोड़, बख्ता वाली बीबी, इज्जत वाली बीबी शर्मा वाली बीबी घबरावण दी नहीं लोड़, बख्ता वाली बीबी तेरी मुश्किल कुशाई दादा दा गया, तेरी मुश्किल कुशाई दादा दा गया, मेरी सारी खुदाई दादा दा गया, मेरी सारी खुदाई दादा दा गया,
ਬੜੀ ਆਲੀ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਹੀ ਔਰ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ। ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅਲੀ ਅਲੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਕਹਿ ਪੈਸੇ ਸੁਰਮਾਵੇ ਪੜਨਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਪਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਲਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜ਼ੌਕ ਦਾ ਇਜਤਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਆਈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਮੱਕੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌ ਮੌਲੂਦ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਬਨੇ ਅਬੂ ਜੇਲ ਮਲਾਉਣ ਆ ਕੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾਖਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜ। ਚੂੰਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ ਬਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਇਬਾਦਤ ਉਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆਇਆ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੱਕੇ 'ਚ ਕਾਬੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਲੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਜੇਲ ਆਇਆ ਹਸਵੇ ਰਿਵਾਇਤ ਆ ਕੇ ਤਕਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈ, ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ, ਜੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਸ ਦੇ ਨਤਾਇਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਮਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਗਿਆ ਕਹਿ ਪਾਸੇ ਸੁਰਮਾ ਕਿਨ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣੀ ਗਈ, ਅਬੂ ਜੇਲ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸੁਝਾਣੀ ਗਈ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਲੰਦਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਹਾਂ ਬਾਈ। ਗੈ ਕਹਿ ਪਾਤੇ ਸੁਰਮਾ ਕਿਨ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣੀ ਗਈ, ਅਬ ਜੇਲ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸੁਝਾਣੀ ਗਈ। ਗੈ ਕਹਿ ਪਾਤੇ ਸੁਰਮਾ ਕਿਨ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣੀ ਗਈ, ਅਬ ਜੇਲ ਕੋ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਸੁਝਾਣੀ ਗਈ। ਜੈ ਕੁ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾ ਮਣਦਾ ਬਹੁ ਚੌਕਿਆ, ਜੈ ਕੁ ਸੁਰਮਾ ਪਵਾ ਮਣਦਾ ਬਹੁ ਚੌਕਿਆ, ਮੁੰਡਲਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਬਦ ਸੌਕਿਆ, ਮੁੰਡਲਾ ਦਾ ਸੌਕਿਆ। ਚਾਟ ਵੱਗੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾਨ ਦੀ, ਅਦ ਦਾਨ ਦੀ ਬੂਥਾ ਬਈ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਜਾ। ਜਿਸਨੇ ਦਰੇ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਨਾ ਪੜੋ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਪੜ ਲਓ, ਗਾਜ਼ੀ ਰੰਗ ਲਾਓ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜੀ ਅਕਲ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਬਸ ਬਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਸਰਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਬਾਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਲਾ ਵਾਸਤੇ
कुछ फायद लगे ने सदका मुहम्मद अल्लाह ने महफूज कर लिया है, लेकिन उसने इस दरबार हुसैन का सदका और इस पाक जिक्र का सदका असी दुआ करने हैं कि मौला उनसे कामला आजला था और दीगर जितने भी मोमिन बीमार ने सब वास्ते दुआ। इलाही आमीन, इलाही आमीन। लो जी एक नज़म पंजाबी जिससे वास्ते फरमाइश नहीं इसरार है। वाह वाह। जितनी देर में बैठा बच्चा और कोई बुजुर्ग आया है, कोई दोस्त आया, उसने इसकी इंतहा बल्कि बैरून जात तो गिरदो नवा जड़े मोमिनी नहीं तशरीफ ले आ सके उन्होंने पैगाम आए थे कि इन्हें बड़ी सादा जी गल एक मैं कीती है और बड़ी दफ़ा पढ़ भी चुका। हदीस रसूल है बमा यंतको दे मिसदाक पाक रसूल दी जमाने जौहर बयान चो निकले हुए चंद मोतियाँ थे, मैं इसकी बुनियाद रखी है। सरकार ने फरमाया मेरे हर काम से बच्चे ते बच्ची नूं भी हदीस याद है ना मजलसां दे सुनन दे तुफैल। अल हक्को माल अली वाल अली माल हक अली दे नाले ते अली बोलो हक दे नाल उने गल हर किसे नूं याद है इसकी बुनियाद उत्ते। मैं दूसरी गल जिहड़ी तुहाडे ज़हन च मैं दो गल्लां महफूज करना चाहना। सब तो पहले कि इस दे विच मैं जिस बंदे नूं मुखातिब आना जिसनों मुखातिब होकर मैं गल आख रहा वो सिर्फ और सिर्फ मुनकर अली है। मैं इस मुखातिब हाँ मुनकर अली। दूसरी गल एक लफ्ज इस्तेमाल किया पासा 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 मैंने साइड तरफ ए तेरा पासा है दो टीम खेल दिया ने जी ते अपना अपना पासा। तीसरी गल तीसरी गल भाई कह रही है पासा ये दो गल मैं तुहाडे ज़हन दे विच महफूज कीतियां ने। बिस्मिल्लाह। हुण मैं खिदमत आली पेश कर रहा एक शेर इसका मतला और इससे ते मैं दुआ और आखिर दे विच ओ मतला जेड़े हजारों मरतबा तुसीं सुन चुके खत्म करो। हाँ जी बिस्मिल्लाह करो जी। हवली दे नाले हक अली 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 दे नाले अली हक दे नाले हां भाई हक अली दे नाले हक अली दे नाले हक अली दे नाले हक अली दे नाले तू भी सानू बिका अपना पासा हक अली दे नाले नोट मैनू मेरे बिरादरे मोहतरम ने दे दिता मैं जेब च पा लिया जी। बिस्मिल्लाह। तवज्जो रखा मेरे पास। हां भाई आके मीट लईए अज तू भी जान के हो आके मीट लईए अज तू भी जान के हो बल्ला रहन वाला सुता हो आए जान के हो बल्ला रहन वाला सुता हो अपना पासा हक अली दे नाले हजार साल उम्र दावेदार
जी नसीब हो गए दो लम्हात मैं मिंबर हवाले कर रहे हैं। मैं जिस खूबसूरती नाल तुसी जिस ज़ौके आला ज़ौके समात दा सबूत पेश फरमाया है, मैं एक नजरियाती इंसान अगर इससे वास्ते मैं इजहार तशक्कर ना करा, मैं शुक्रिया अदा ना करा, तो कम अज कम मेरे नज़दीक मेरी कमजरफी हो सी। मेरी दुआ है दीनो दुनिया के हवाले सेहत और सलामती इज्जत और सरफराजी और कामयाबी और कामरानी थोड़े कदम चूमे। यादगार मजलिस हो चुकी है, हुण इक उस नज़म दे वास्ते जिथे मैं इख्तिताम कर रहा उसका सिर्फ मतला, सिर्फ मतला शेर नहीं पढ़ना, एक ऐसी नज़म जेड़ी अगर मैं अज आखा बीसियों मरतबा पढ़ चुका तो गलत है, सैकड़ों मरतबा ये भी गलत है, हाँ अगर आखा हजारों मरतबा तो किसी हद तक दुरुस्त है, फिर अपने मुल्क जी दुनिया के मकबूलीयत एक जैसी है। और इस दे विच मैं तुसा हुक्म दिता है, मैं खिदमत आली पेश कर रहा हूँ। एक गल आदराए तफन्नन मैं पेश कर रहा के एक पंजाबी तक मकूला है, इंशाल्लाह किसे दा आखीर खराब ना होवे। जिस मोहब्बत और खलूस नाल, जिस उमदगी नाल, जिस एतना नाल, जिस तवज्जो नाल तुसी मैं फकीर दी नाकिस समान जो अपने मुर्शिद दा शान समात फरमाया लायके दा दे, लेकिन उन आखिर ते मैं तुहाडी इंतहाई फरमाइश ते तुहाडे हुक्म दी तामील वाजिब समझ आया, तुहाडे पाकीदा जज्बात दी कदर कर दिया, आखिर ते मैं हजारों मरतबा पढ़ी हुई ते हजारों मरतबा सुनी हुई नज़म आखिर ते शेड्यूल कीती है। हुण जरा अपने जज्बे नूं भी रोशन रखना ते इस नूं समाज करना जिवें समाज करन दा हां भाई हमी वली के प्यार ज़बान तो मुख्तसर लेकिन मानी खेज जुमला निकलवाया है सुभानअल्लाह के जिंदगी वो है जेरी मुर्शद अली दे प्यार च गुजरे सुभानअल्लाह फर्दे सानी पेश कर रहे हैं। हाँ भाई अली वली के प्यार में कटे तो जिंदगी है जी अली